उसको ये है आईफोन 5S, और इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन मार रही है, ऑटोमेटिकली इसमें बैटरी लो हो जाती है इस फ़ोन की। मतलब अभी इसको अगर आप अभी देख रहे हो 95% इसमें बैटरी अवेलेबल है इसके अंदर भी। इसके 95% अभी बैटरी है इसके अंदर, और इसमें क्या हो रहा था ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन मार रहा था। मतलब अभी ये 95 है, थोड़ी सी देर बाद देखोगे तो 94-93 फटाफट से गिर जाएगी। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है इसमें और कहाँ ज़्यादातर मोबाइलों में कहाँ से आती है, वो अब तक मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम है जो दो मोबाइलों में आई है, जो मेरे पास अभी तक दो मोबाइल आए हैं कि भैया बैटरी बहुत खराब है, और बैटरी मैंने रिप्लेस भी की है आपको दिख रहा होगा देखो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें बैटरी ड्रेन मार रही है। फिर भी अभी मैंने इसको लगाया, बैटरी को बिल्कुल नहीं, जो पुरानी वाली थी वो वैसे भी, क्योंकि कस्टमर ने मुझे डायरेक्ट बोला बैटरी चेंज करनी है, मैंने इसमें बैटरी चेंज कर दी, फिर कस्टमर बोला कि ये भी ऑटोमेटिकली उतर रही है, तो हाल फिलहाल में बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो अपने मोबाइल के अंदर है। और क्या प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को नहीं दबा रखा उसको दबा देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इस फिंगर से, जो आपका फिंगर प्रिंट है ना, ये फिंगर, ये बायोमेट्रिक, यहाँ से दिक्कत आती है आपके इससे, और इसी से आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। अभी मैं आपको दिखा दूँ कितना परसेंट बैटरी है, अभी देखो इतना चला है, 94 हुई, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको दो मिनट बाद मैं इसको बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें एक बार मैं इसको लगा देता हूँ फिंगर, फिर बताता हूँ आपको कितनी ट्रेन मार रही है। अभी जो मेरा फ़ोन है मैंने इसमें लगा दी, आपको दिख रहा होगा, मैं बता भी देता हूँ आपको, ये देखिए अभी मैंने इसके फिंगर प्रिंट को लगा दिया, अभी 94% थी, ठीक है, अभी मैंने जस्ट इसमें लगाया है, और ये फटाफट से ट्रेन मार देगा। अभी देखना, थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे, फटाक से कम होगी इसमें बैटरी है, जो अभी हीट हो रहा है फ़ोन है, जो पहले हीट नहीं हो रहा था, यहाँ से पूरा हीट होता है फ़ोन, इस साइड से पूरा हीट होता है ये फ़ोन है जो, उसके बाद बैटरी ऑटोमेटिकली उतर जाती है। अभी थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ताकि आपको भी देखने दिक्कत नहीं हो। ये देखो 93 हो गया, अभी देखते देखते उतर जाएगा, आप देखते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। अभी 93 है, थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे तो उतर जाएगी, और इसको मैं अभी चेंज कर दूंगा, इसको मैंने ला दिया हूँ इसको, मैं खाली लगाना बाकी है अभी, लेकिन आपको बताने के लिए मैं एक बार वीडियो बना रहा हूँ। अभी फटाक से ड्रेन मारेगी अभी, ये देखो इसको सिर्फ एक मिनट का टाइम दिया मैंने, और ये 90% बैटरी हो गई इसमें। मतलब इसको मैंने 3 घंटे से रख रखा है, लेकिन इसमें 1% बैटरी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अभी मैंने इसको रखा था साइड में, वो भी लाइट भी नहीं जलाई मैंने, और यहाँ ये वाला पोजीशन है ना पूरा हीट होता है, कभी भी आप देखना ये वाला। इसमें अभी इस फिंगर को मैं निकाल दूंगा तो ये इसमें बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं मारेगा। अभी मैं ये देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम मैं अगर इसको दूंगा, अगर एक मिनट का ना, तो इसमें 2-3% उतर ही जाएगी बैटरी, इतनी जल्दी उतर रही है बैटरी इसकी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यही प्रॉब्लम इसमें आती है इस वाले फ़ोन में, एक बार आप फिंगर को निकाल के चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर बाद में अगर फिंगर से वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है तो 100% आप फिंगर को चेंज कर दीजिए। और ये प्रॉब्लम आती है इस फ़ोन के अंदर, मुझे पूरा पता है, और मेरे पास दूसरा फ़ोन है ऐसा कि उसमें ऐसी प्रॉब्लम आई है, जिससे कि बैटरी ट्रेन मार रही है, और मैंने उसमें बैटरी हालांकि चेंज नहीं की थी, उसमें तो डायरेक्ट ही मैंने फिंगर को चेंज किया था, इसका काम हो गया था। लेकिन अब की बार मैंने कस्टमर ने जैसे बोला उसके अनुसार किया है मैंने, तो फिर उसके हिसाब से इसमें ये दिक्कत आ गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसमें इससे प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। अभी इसको मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन ये आपको पूरा बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एक बार करके देखिए, पक्का आपको बेनिफिट होगा।